स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को लेकर चलेंगे ताकि आप लोगों को समझने के लिए भी आसानी हो। वेल तो जी दोस्तों, ये है जी हमारे पास एक मॉड्यूल, आप लोग ये देख सकते हैं। जरा मैं जूम करके आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूं। इसे हम कहते हैं जी मॉड्यूल, ठीक है जी। अभी मैं इनकी डिटेल भी आप लोगों को बताता हूं। मैं जल्दी के साथ बकिया बॉक्सेस को भी ओपन कर लूं। वेल तो जी दोस्तों, ये है जी इसकी कंट्रोलर किट जिसे हम कहते हैं, या इसका आप इसे मदरबोर्ड कह सकते हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर पर हमारे पास मौजूद है जी एक ट्रांसफार्मर जो कि काफी वजनी है। वेल तो जी दोस्तों, आप लोग ये देख सकते हैं हमारे पास इस वक्त एक ट्रांसफार्मर मौजूद है, एक कंट्रोलर पीसीबी जिसे हम मदरबोर्ड कहते हैं, और एक मॉड्यूल मौजूद है। अब हम डिटेल के साथ बात करते हैं कि ये तीनों चीजें क्या हैं और ये क्यों जरूरी हैं। सबसे पहले हम पकड़ लेते हैं इस मॉड्यूल को। ये मॉड्यूल के ऊपर बेसिकली दो हीट सिंक लगे हुए हैं बड़े बड़े। अब ये जो मॉड्यूल है ये असल में इसका ये यूपीएस का मेन पार्ट होता है। ये मॉड्यूल एफईटीज और बीजेटीज से बनता है। अब ये जो आपको ट्रांजिस्टर टाइप एफईटीज नजर आ रही हैं, ये एफईटीज भी हो सकती हैं और बीजेटीज भी हो सकती हैं। अब अगर आप लोगों को ये नहीं पता कि एफईटीज क्या होती हैं और बीजेटीज क्या होती हैं, एफईटी का मतलब होता है फेल्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, होता ये ट्रांजिस्टर है। इसके मतलब मैं डिटेल से वीडियोस बना चुका हूं, अगर आप नए हैं तो उन्हें जरूर देख लें। और बीजेटी का मतलब होता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो ये है जी बेसिक पार्ट हमारा, इसे हम मॉड्यूल कहते हैं। इसका काम ये होता है कि 12 वोल्ट डीसी जब हम इसे बैटरी से देते हैं, 12 वोल्ट या 24 वोल्ट जब हम इसे देते हैं, तो ये उसे एसी 12 वोल्ट या 24 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका काम सिर्फ यही है। और आगे से जो पावर होती है उसे हम स्टेप अप कर लेते हैं, उसका भी मैं आपको बताता हूं। दूसरे नंबर पर हमारे पास आ जाती है कंट्रोलिंग पीसीबी, इसे हम कंट्रोलिंग किट भी कह सकते हैं, इसे मदरबोर्ड भी कह सकते हैं। ये भी यूपीएस का एक मेन पार्ट होता है। इसका काम ये होता है कि इसने यूपीएस के मुकम्मल सेक्शन को कंट्रोल करवाना होता है। आप यूं समझ लें कि ये आपके यूपीएस का दिमाग है। इसी ने ये सेंस करना होता है कि यूपीएस को कब ऑन करवाना है, कब ऑफ करवाना है, जब वोल्टेज पीछे से लो होंगे तो उसे कैसे ऑपरेट करना है, बैटरी फुल हो जाएगी तो उसे कैसे डिस्कनेक्ट करना है, जब बैटरी फुली चार्ज हो जाएगी तो उसे कैसे डिस्कनेक्ट करना है। इसके अलावा और भी इसके काफी सारे फंक्शंस हैं, वो हम डिटेल में इसके ऊपर बात करेंगे। लास्ट बार हमारे पास ये जो ट्रांसफार्मर है काफी भारी है, ये 300 वाट का ट्रांसफार्मर है ये 300 वाट का मगर है काफी भारी। ये भी इसका एक मेन पार्ट है। अब इस ट्रांसफार्मर का क्या मकसद है, आप लोग ये देख सकते हैं इसमें कितनी ज्यादा वाइंडिंग्स हैं। इधर भी वाइंडिंग्स हैं, इस साइड पर भी तीन वायर्स आप लोगों को नजर आएंगी, हम इनके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे। मगर मैं ट्रांसफार्मर का आप लोगों को काम बता दूं कि ट्रांसफार्मर काम क्या करता है। ट्रांसफार्मर का ये काम होता है कि जो डीसी 12 वोल्ट बैटरी के इस मॉड्यूल में आते हैं ये उसे एसी 12 या 24 में कन्वर्ट करता है। तो हम इस मॉड्यूल से जो पावर सप्लाई होती है वो इसे दे देते हैं, मतलब इसके लिए जो वायर्स होती हैं इसके साथ हम अटैच करते हैं, तो ये उन्हें स्टेप अप कर देता है। स्टेप अप से मुराद 220 वोल्ट भी कर सकता है, 120 भी कर सकता है, 300 वोल्ट भी कर सकता है। जिस हिसाब से हमने इसे डिजाइन किया होगा उस हिसाब से हमें ये आउटपुट प्रोवाइड कर देगा। अब इसके अलावा इसका एक और काम भी होता है कि इसने स्टेप अप के अलावा हमें स्टेप डाउन करके भी वोल्टेज को देना होता है, ताकि जब मेन पावर सप्लाई आती है 220 वोल्ट वापडा की, या जिसे हम मेन लाइन कहते हैं, तो उसे इसने स्टेप डाउन करके 12 वोल्ट में कन्वर्ट करना होता है, ताकि हमारी जो बैटरी आगे लगी हुई है वो चार्ज हो सके। सो दोस्तों, ये तो थी हमारे पास तीन बेसिक चीजें जिनके बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल से बता दिया है कि इनका क्या क्या काम होता है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि ये किस तरह से काम करती हैं, कहां कहां पर इनके वोल्टेज दिए जाते हैं, कौन कौन सी चीजों को मिलाकर बनती है। इस मॉड्यूल के बारे में, इस किट के बारे में हम देखेंगे कौन कौन से कनेक्शन किस किस जगह पर हैं, ये वेरिएबल्स क्यों लगी होती हैं, ये रिलेज, ये ट्रांसफार्मर, ये कनेक्शन कौन कौन से क्यों लगाए गए होते हैं। इसके अलावा ये ट्रांसफार्मर के ऊपर आपको कितनी ज्यादा वाइंडिंग नजर आ रही है, इनके बारे में हम बात करेंगे कि ये क्यों होती है और इन्हें क्यों इस्तेमाल में लाया जाता है, और ये इसकी दूसरी साइड क्यों इस्तेमाल में लाई जाती है। वेल जी दोस्तों, अब बात कर ली जाए प्राइस की, तो ये जो आपको मॉड्यूल नजर आ रहा है ये 700 वाट का मॉड्यूल है और इसकी प्राइस 450 रुपये है। कुछ इलाकों में 500 का भी सेल आउट होता है। अब ये जो कंट्रोलिंग पीसीबी जिसे हम मदरबोर्ड कहते हैं, इसकी जो प्राइस है वो 600 रुपया है।
हर शहर की अपनी अपनी प्राइस होती है, वैसे ही हार रोड की प्राइस आपको बता रहा हूँ, हार रोड से इतने की मिलेगी। लास्ट पर आ जाता है हमारा 300 वाट का ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर मुझे 1700 रुपये का हार रोड से मिला है। अगर आप ज़्यादा बड़ा ट्रांसफार्मर लेते हैं तो आपको वो महंगा मिलेगा, मगर फ़िलहाल मेरे पास ये छोटा 300 वाट वाला ट्रांसफार्मर है, तो इसकी जो प्राइस है वो 1700 रुपया है। वेल तो जी दोस्तों, ये तो था आज का इसकी इंट्रोडक्शन की वीडियो कि यूपीएस क्या होता है और किन किन चीज़ों को मिलाकर ये बनता है। बेसिक तीन चीज़ें होती हैं, इसके अलावा इसके कुछ और पार्ट्स भी होते हैं, ऑन ऑफ का स्विच, इसके अलावा कुछ वायरिंग के लिए वायर्स भी जरूरी होती हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों, आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे चैनल मिस्टर इंजीनियर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ आपको एक बेल का आइकॉन नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर भी ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। उसका ये फ़ायदा होगा कि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियोज़ का सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा वीडियो के लास्ट पर आप लोगों को मेरा फेस नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो दोस्तों, इसी के साथ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।